जय बाबा। हम लोग इनफाइनाइट इंटेलिजेंस अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित जो किताब है उसका रीडिंग और एक्सप्लेनेशन जितना हमसे हो सकता है वो हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे दो जो है अपना दो उसके दो जो चैप्टर नंबर वन के दो ये हो गए एपिसोड, और अभी ये आज का तीसरा है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा। पहला जो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन जो था उसी में गया। अब ये जो दो है इसके अंदर मैं पहले एक 5 मिनट कि ये दो जो अपने जो व्याख्यान जो है उसमें क्या हुआ वो बताते फिर आगे चलते हैं, तो अपना लिंक उसमें लगा रहेगा। तो बाबा ने ये डायग्राम जो पहले वो उन्हीं का है निकाला हुआ, तो इसमें उन्होंने ये यहाँ से चालू किया कि ये है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब अनंत बुद्धि, मतलब गॉड एज अनंत बुद्धि, गॉड एज परमात्मा, गॉड एज अल्लाह, गॉड एज अनंत चेतना, गॉड एज दिस, गॉड एज दैट। इसके द्वारा हम उसी गॉड के मतलब परमात्मा के अनेक प्रकार से हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट इज़ गॉड। कोई उसको अनंत बुद्धि के द्वारा, कोई उसको प्रेम के द्वारा, कोई उसको अनंत चेतना के द्वारा, अनेक प्रकार से उसको मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे में जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसमें ये सब आया हुआ है, तो वो डिटेल जब भी आएगा तो उसका और हम लोग बताएंगे क्या हुआ क्या है। तो ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर में वह कहते हैं कि परमात्मा की ये ओरिजिनल स्थिति है, जैसे गॉड स्पीक्स ने हमने देखा बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड वो स्थिति है। पर जब भी वहाँ पे लहर आती है, मतलब लहर आती का मतलब है जब भी वो थिंकिंग करता है कि मैं कौन हूँ, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, नहीं क्योंकि उन्होंने सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने अपने खुद को ही यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आए करके उन्होंने अपने को ही बना लिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये इस स्थिति में अचेतन परमात्मा जो थे वो चेतन परमात्मा करके इस स्थिति में आए, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। जैसे हमने बताया था कि उस स्थिति में कोई नहीं है उनके लिए, वो अलोन है। तो उन्होंने जब थिंकिंग किया तो ये परमात्मा ने, ऐसा कहते ना कि परमात्मा ने ये विश्व का निर्मिति की, ये परमात्मा का जो थिंकिंग है उस थिंकिंग के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड निर्माण हो गया, जो परमात्मा की अपनी इमेजिनेशन है, कल्पना है। जैसे हमने प्रेम और प्रेमियों का जो अभी बताया था उसमें वो प्रेमी जो था उसने वो तो अकेला ही था, कुछ भी नहीं है, तो उसने बाय वे ऑफ थिंकिंग उसने प्रियतम को निर्माण किया ना? और ये प्रेमी वो प्रियतम से मिलन चाहता था। तो इसीलिए उसी प्रकार से परमात्मा इस स्थिति के अंदर में बाय वे ऑफ थिंकिंग कि जो फॉल्स है, क्योंकि आप तो परमात्मा है, आप अनंत ज्ञान अनंत शक्ति सब कुछ है, पर आपके पास में इस स्थिति में चेतना नहीं है। इसीलिए जब वो थिंकिंग करते हैं मैं कौन हूँ, तो वो खुद को ही इस स्थिति में डाल देते हैं, ये स्थिति में आते हैं जो यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड है। परमात्मा ही यूनिवर्सल फॉल्स माइंड की स्टेट में आ गए, बराबर। और इसके बाद में वो इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में वो आदमी बन गए, बराबर है। और आदमी बन के उनका जो मन है जो है माइंड जो है वो अनंत है, मानव रूप में उनका मन कैसा है, अनंत है, पर वो फॉल्स माइंड है, बराबर। तो ये जितने भी है बहराम ये वो सब नाम दिए हैं, मतलब ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी ये है ह्यूमन बीइंग्स उनका जो मन जो है वो अनंत है। वो डिटेल अभी बाद में मैं बताऊंगा, अभी तो इसे इंट्रोडक्शन चल रहा है उसका। उसके बाद में ये इस स्थिति में आने के बाद मानव रूप में ही आपको अनंत चेतना है, आपको अनंत बुद्धि भी है, आपको अनंत माइंड भी है, भलाई फॉल्स हो,
पर वो मन अनंत है आपका, और इस स्थिति में ही मनुष्य रीति में ही आप परमात्मा का खोज कर सकते हो और परमात्मा से एक रूप हो सकते हो, क्योंकि ये जो बॉडी जो है वह परमात्मा की शैडो है। और इसीलिए इसके द्वारा इसलिए कहते हैं कि ये शरीर जो है अत्यंत महत्व का है, इसको जप के रखो, ये वो सब इकाई के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर उसका मिलन कैसे होगा। इसीलिए दूसरा आगे में फिर इधर अभी ये जो है गॉड एज इन्फाइनाइट अनंत बुद्धि बराबर है, और अगर अनंत बुद्धि है गॉड है तो उसको अनंत मन तो होना ही चाहिए, और इसीलिए ये अनंत मन के द्वारा परमात्मा ने निर्माण की, परमात्मा की अपने निर्माण की हुई सृष्टि के अंदर में परमात्मा का जो मन है जो है वो अनंत मन जो है, यह अनंत मन के द्वारा परमात्मा ही अपने मैं कौन हूँ के लिए वह उसको दो शरीर है, वो अपनी कल्पना के द्वारा जब भी वो थिंकिंग करते हैं तो अपने कल्पना के द्वारा सटल यूनिवर्स और ग्रॉस यूनिवर्स की निर्मित होती है। अब डिटेल उसका आगे में आते हैं, और उसी प्रकार से इसका अनुभव लेने के लिए ये अनंत मन जो है मतलब परमात्मा ही है अनंत मन, तो वो अपनी दो बॉडी के द्वारा सटल बॉडी के द्वारा ये यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, और अल्टीमेटली वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि दैट एवरीथिंग इज फॉल। सातवें छठवें प्लेन तक जाते तक माया साथ में है, अज्ञान साथ में है। ये जो अभी बताया गया है ये शॉर्ट में जो बताना था बता, अब इसके बाद आगे और चलता रहेगा, बहुत कुछ है इसके अंदर में, जितना हम लोग उसको सुनेंगे तो अपने को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे भी नहीं और अपने को समझ में नहीं आएगा। पर इसको क्यों सुनना, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे अपने को एक ये मिलता है संदेश कि रियली गॉड अलोन एग्जिस्ट, आप सभी प्राणी जितने भी सोल है वो सब परमात्मा है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। इसका जो उन्होंने वर्णन किया और समझा के बताया, इसके पहले इस प्रकार का वर्णन कहीं नहीं मिलता है, कहीं बाबा खुद ही बोलते, मैंने कभी लिख के नहीं रखा है, पर इस युग में ये सब लिख के रखा है ताकि आगे में चल के कन्फ्यूज़न ना हो, इसके अंदर में कोई घुसाड़ ना दे और कुछ नहीं क्या अपना, बाकी के लोग आएंगे बाद में तो इसमें और डालेंगे, डालते ही रहेंगे, तब तक वो सब ख़त्म हो जाएगा, उसका अंदर का जो क्रक्स है मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसके आगे में इनफाइनाइट माइंड मतलब अपना भी जो माइंड जो है वो है इनफाइनाइट, पर वो फॉल्स है। इनफाइनाइट माइंड व्हेन बिकम्स वाइड ऑफ फॉल्स थिंकिंग, हमारा थिंकिंग भी फॉल्स है बराबर है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो मन जो है इनफाइनाइट माइंड जो है, ये रुस्तम बेराम ये जितने भी प्रेमी है, ये सब नाम बाबा के प्रेमी जो है उनके नाम है, मतलब मनुष्य का जो मन जो है इनफाइनाइट माइंड व्हेन बिकम्स वॉइड, वॉइड मतलब रिक्त ऑफ फॉल्स थिंकिंग, इट डज नॉट रियलाइज इट्स इमेजिनेशन, व्हेन बिकम्स वॉइड ऑफ फॉल्स थिंकिंग, मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि जब हमारे मन के अंदर में जो संस्कार स्टोर्ड हो गए युगों युगों से, वो संस्कार जब भी हमारे पूरे ख़त्म हो गए, वॉइड मतलब रिक्त हो गए, मतलब हमारा मन संस्कारों से रिक्त हो गया, अभी हमको थिंकिंग करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, है ना, उस स्थिति में इट डज नॉट रियलाइज इट्स इमेजिनेशन, कहने का मतलब है कि तभी जो सोल है आत्मा जो है वह ब्रह्मांड का या विश्व का अनुभव नहीं लेता, ब्रह्मांड का ईश्वर का अनुभव नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि सातवें प्लेन में अगर आप चले जाते हो जिसको हम लोग मधुब या ब्रह्मीभूत कहते हैं, उनका माइंड ऐसा है कि उनके मन में कोई भी संस्कार नहीं है सोचने के लिए, मतलब इमेजिनेशन करने के लिए, उनको इमेजिनेशन वहाँ ख़त्म हो गया, अब वो परमात्मा से रियलिटी से एक रूप हो गए, इसीलिए इट डज नॉट रियलाइज इट्स इमेजिनेशन, कल्पना छूट गई अभी,
कल्पना कहाँ से कहाँ तक थी, वो पत्थर योनि से लेके इधर तक, इंक्लूडिंग जितने भी स्पिरिट्स है, जितने भी देवी देवता है, ये है सब कुछ है, उनको भी कहाँ परमात्मा का दर्शन हुआ है, बाबा बोलते उनको भी नहीं हुआ। क्यों? कि वो संस्कार लेस है। संस्कार होना जरूरी है, तभी वो मानव रूप में आते हो। वो संस्कार नष्ट करो तो आप परमात्मा से एक हो जाएंगे। कहने इट डज नॉट रियलाइज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और आगे में है बट रियलाइजेस इट्स ओन सेल्फ, मतलब वो अपना खुद जो खुद ही है उनकी जो उसका अनुभव करते हैं। सातवें प्लेन, इसीलिए हमने गॉड स्पीक्स में बाबा ने उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया, हमने देखा भी है कि सातवें प्लेन में गए कि जन्म मृत्यु के फेरे से ख़त्म, मायावी से ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सोचने से ख़त्म, एवरीथिंग। अभी आप अनुभव ले रहे हैं परमात्मा का, अपने खुद का, कि आप अनंत हैं, अद्वितीय है, अतुलनीय है। जो हमने प्रार्थना करते हैं ना, पहली प्रार्थना, उसमें सब दिया है कि परमात्मा कैसे है, वो अनुभव मिलता है कभी अगर हमारे संस्कार नष्ट हो गए तो। इसलिए संस्कार नष्ट करने के अनेक प्रकार सद्गुरु ने और पीछे के युगों में सद्गुरु ने अनेक प्रकार बताए हैं, बराबर है। तीर्थ यात्रा है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये योग है, पूजा पाठ जो भी है, सारे के सारे जो है, इसका एक उद्देश्य एक ही है कि आपका मन जो है वह संस्कार लेस होना चाहिए। और इसके लिए सबसे इजी और आनंदी अगर कोई रास्ता होगा जो है, वो है सद्गुरु या अवतार का सहवास। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सद्गुरु को पकड़ो, अवतार को पकड़ो। बाबा बोलते हैं हमेशा कि मेरे पास में आओ, मेरा नाम लो। ये चीज़ इस आगे में इसके और एक डिटेल ये है, जब भी यह संस्कार जो है, मतलब इमेजिनेशन जो है, कल्पना के द्वारा वो संस्कार निर्माण हो गए, इम्प्रेशन जो है, संस्कार जो है, दैट इमेजिनेशन और इम्प्रेशन जो है, दैट प्रोड्यूसेस एंड क्रिएट द फॉल्स थिंकिंग। मतलब जो संस्कार हमने निर्माण किए वो हमारे लिए फॉल्स थिंकिंग ही है जब हम उसको यूज़ करते हैं। मतलब इस फॉल्स थिंकिंग के द्वारा जो संस्कार हमने निर्माण किए वो फॉल्स ही है। संस्कार भी फॉल्स है, वो थिंकिंग उसका वो भी फॉल्स है। थिंकिंग जो है वो भी फॉल्स है हमारा। क्यों? कि हमारा जो थिंकिंग है वो अज्ञान से, माये से कनेक्टेड है। क्यों? कि जो उत्पत्ति हुई है वो माया भी है। इसीलिए इम्प्रेशन संकट, दैट इज इम्प्रेशंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग। सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग मतलब सूक्ष्म जगत में और स्थूल जगत में जो भी कोई हम अनुभव करते हैं, संस्कार का संस्कार है उसका अनुभव तो करते हैं ना, जब भी सोचते हैं। और वो अनुभव करने के लिए पहले संस्कार थिंकिंग करना पड़ेगा, तभी वो संस्कार जो है वो वर्ड में इसमें आएंगे, हम बोलेंगे। और इसीलिए इम्प्रेशंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग, मतलब हमारा स्थूल जगत का थिंकिंग जो है, ग्रॉस थिंकिंग, वो भी फॉल्स है। ये इमेजिनेशन है, जो भी है इमेजिनेशन है। दैट सटल एंड इनफाइनाइट इमेजिनेशन, सटल एंड इमेजिनेशन थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग, मतलब ये सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स तो निर्माण हो गए, पर यहाँ थिंकिंग के द्वारा, ये सटल बॉडी के द्वारा हम जो संस्कार जो है, सूक्ष्म ग्रॉस संस्कार और सटल बॉडी के, ग्रॉस बॉडी के ग्रॉस संस्कार, यहाँ पे सटल संस्कार, ये संस्कार उसके द्वारा इस यूनिवर्स के, यूनिवर्स का उपयोग करते हुए हम उसका अनुभव ले रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं, फॉल्स थिंकिंग, ये फॉल्स थिंकिंग है। ऑल्दो द फॉल्स माइंड एंड इट्स बॉडीज बिकॉज इट इज नॉट नाउ थिंकिंग फॉल्सली एंड सो नॉट रियलाइजिंग इग्नोरेंस दैट इज इमेजिनेशन एंड सो नोज ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स ओन सेल्फ। इसीलिए अपना मन भी नहीं है, अपनी बॉडीज भी नहीं है, तो इसके बाद में इट इज नॉट नाउ थिंकिंग फॉल्सली, क्योंकि आपको बॉडी का भी अनुभव नहीं है और आपका माइंड का भी अनुभव नहीं है। सेवंथ प्लेन के अंदर में ना आपको बॉडी है,
ना आपका मन है और ना ब्रह्मांड है उसके लिए। उस स्थिति में जब भी जाते हैं, सोल जब भी जाता है तो उसको एक ही अनुभव है, एंड दैट इज वो अपने खुद का ही अनुभव ले रहा है। खुद का मतलब परमात्मा का, परमात्मा अनुभव ले रहा है। नाउ अभी वो थिंकिंग नहीं कर रहा है, थिंकिंग खत्म हो गया। थिंकिंग अबाउट जो कल्पना के द्वारा निर्मित जो वर्ड था उसका थिंकिंग, और सो नॉट रियलाइजिंग द इग्नोरेंस, इसलिए वो अज्ञान में भी नहीं है, वो इमेजिनेशन जो है वो भी चला गया। सो दैट एक्सपीरियंस जो अनुभव वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स ओन सेल्फ, मतलब उसका अपना जो खुद का रियल एग्जिस्टेंस है उसका वो अनुभव ले रहा है। हमारा अनुभव ऐसा है नहीं है, हमारा स्थूल जगत का अनुभव है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज है, उनको सटल सूक्ष्म जगत का अनुभव है, हमको ग्रॉस वर्ल्ड का अनुभव है, स्थूल जगत का अनुभव है, बराबर है। और सातवीं प्लेन के ऊपर में जो है, इवन संत भी है जो छठवीं प्लेन पे है, उनको भी वो इमेजिनेशन में ही है भाव दे। वो साधु संत ऋषि मुनि जो चौथी प्लेन वाले जो है वो भी इमेजिनेशन में है, कल्पना में है, कल्पना में ही है। पूरा संस्कार नष्ट नहीं होता तब तक हमारा परमात्मा से मिलन नहीं है। इस संस्कार को नष्ट करने के लिए प्रे, लव, ओबीडियंस एंड सरेंडर, यह तीन चीज़ें अत्यंत महत्व की है जो बाबा ने अपने को बताई हुई है। आगे में फिर वो कहते हैं कि जैसे यहाँ नाम दिया है रुस्तम, बहराम, पादरी, ये जो जो नाम दिए हैं, रुस्तम है, बहराम है, सदाशिव है, जो भी है सब कुछ है, दे आर द ड्रॉप्स ऑफ द वन यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई ओशन। ये जो है यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई का ये ओशन है, महासागर है। जब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस महासागर है तो उसका उसका जो प्रतिबिंब नहीं बोलते, पर तभी जब भी वो, मैंने बताया था कि जब भी वो मैं कौन हूँ का जब भी वो सोचते हैं तो परमात्मा खुद इस यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई जो है उस स्थिति में है, उस स्टेट में है, और हम सब उस महासागर के ड्रॉप हैं। ये देखो यहाँ से निकले ना, ये जितने भी निकले हैं, पूरा ब्रह्मांड जितने निकला है, पूरे जितने भी जीवात्मा है पत्थर से लेके यहाँ तक, वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर में है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम सभी लोग अंश ऑफ यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आए, वो ओशन जो है उसके हम अंश हैं। एंड ईच इंडिविजुअल इनफाइनाइट परफेक्ट सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब होगा इसमें से ये बहराम का अगर विधारण ले हम लोग तो ये इंडिविजुअली अनंत है। सभी इसके बहराम के बारे में सोचते वो इंडिविजुअली अनंत है, उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो भी परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब, परफेक्ट है मतलब जो परमात्मा के कल्पना के द्वारा निर्मित ये जो अनु ये जो विश्व है उसका अनुभव लेने के लिए वो परफेक्ट है। क्योंकि परमात्मा से निर्माण ये जो विश्व है वो अनंत है, तो तुम्हारा मन भी तो अनंत होना चाहिए, है कि नहीं। इस मन को अनंत होने के लिए जो मानव रूप मिलता है वो पत्थर योनि वेजिटेबल यहाँ से होते हुए पशु होते हुए ये मनुष्य रूप हमने धारण किया। किसके लिए? क्योंकि हमको परमात्मा से एक होना है, जैसे सदाशिव की केस उन्होंने लिया है। एंड थिंकिंग द इनफाइनाइट इमेजिनेशन इंडिविजुअली, मतलब ये मानव रूप के अंदर में हम लोग ये इनफाइनाइट इमेजिनेशन जो है, ये बहराम जो है वह अनंत जो ये है कल्पना, परमात्मा की जो अनंत कल्पना है इंडिविजुअली, हम वो भी इंडिविजुअली उसका अनुभव ले रहे हैं। किसका? ये अनंत विश्व जो है, परमात्मा की निर्मिति जो जो ऑलरेडी वो फॉल्स है, और उसके साथ साथ वह इनफाइनाइट इमेजिनेशन, मतलब अनंत कल्पना, अनंत कल्पना का अनुभव ये भी ले रहे हैं। मतलब हम सभी जिसका अनुभव लेते हैं वो सभी के सभी इंडिविजुअली जो हम अनुभव ले रहे हैं वो भी फॉल्स है, बराबर है। एक जगह बाबा ये कहते हैं कि मान लो मेरा एक हाथ कट गया मेरा, तो मेरे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि 90% शरीर वाला पोपली आया,
ऐसे बोलता है, नहीं बोलता है, समझो दूसरा भी चला गया तो मेरा अस्तित्व नहीं मिटता, मेरा पैर भी चला गया तो मेरा अस्तित्व नहीं मिटता, मिटता है नहीं मिटता है। आप हम मैं यही सोचता हूँ कि मैं पीढ़ी पोपली हूँ, मैं ये वो सोचता है क्या कि मेरा हाथ कटा हुआ है, नहीं, हम भूल जाते हैं, दुनिया अपना ये चालू है, संसार चालू है, मुझे ये मतलब ये बॉडी जो है ये हम नहीं है, क्योंकि इसको कुछ भी हो जाए तो भी हमारा अपना अस्तित्व नष्ट नहीं होता है कि। और इसीलिए हम जब जिस हम जो कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर से अपनी ये कहता हूँ आइडेंटिटी, मैं अपनी बताता हूँ ये मेरे शरीर, ये मेरा शरीर है, ये है वो है, अपने आइडेंटिटी ऐसे ही बताते हैं, बराबर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये गांव में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये है वो है, ये मेरे बच्चे से अपना जितना भाई इसी में हम लोग बोलते हैं। और इसीलिए व्यक्तिशा ईच सोल, जैसे यहाँ पे दिया है, इनका अनंत मन है पर फॉल्स है, वो अनंत परमात्मा की जो ये है इनफाइनाइट इमेजेस, अनंत कल्पना जो है उसी का अनुभव ले रहे, हम भी उसी का अनुभव ले रहे। क्या होता है कि अगर हमें ये चीज़ें अगर मालूम पड़ जाए ना तो हम लोग कहीं और भटकेंगे नहीं, मतलब अपनी इच्छा नहीं होगी कि यहाँ पे जाओ, कि यहाँ पे बहुत सारे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ढंडन ढंडन है और वहाँ वहाँ पे कुछ चल रहा है, आप नहीं जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई हम कौन है, किधर है, काय के लिए आए, क्या ये इतना डिटेल जो दिया है वो अगर थोड़ा भी सुने कम से कम तो भी हमारा भाग्य निकलेगा, अच्छा निकलेगा, ये गारंटी है। आज बाद में ये कहते हैं सो अवतार जो है उनके नाम लिए उन्होंने, ज़ोरास्टर है, गौतम बुद्ध है, जीसस क्राइस्ट है, प्रॉफेट मोहम्मद है, आर ड्रॉप्स ऑफ अंश ऑफ वन इनफाइनाइट रियल आई। मतलब इन्होंने अपना बॉडी ड्रॉप करने के बाद भी उनकी आइडेंटिटी नष्ट नहीं होती। मैंने एक डायग्राम निकाला था, देखो यहाँ पे एक ऐसा, और इसमें दिखाया था वेजिटेबल ये वो सब मानुष ये वो सब, नीचे में इनफाइनाइट आय करके लिखा था, रियलाइज द सोल्स में सभी सद्गुरु और अवतार, इनका वो महासागर बाबा कहते हैं वो महासागर इनमें है, पर वो महासागर है पर बड़ा महासागर जो है वो ये होल यूनिवर्स। हाँ, इनकी आइडेंटिटी जैसे सुकाराम महाराज है, रामदास स्वामी है, सद्गुरु और ये जो है इनकी आइडेंटिटी जो है वो नष्ट नहीं होती है, वो अभी भी मौजूद है। और वो उनका एक जो स्टेटस जो है जिस स्टेट में वो रहते हैं, जैसे ह्यूमन स्टेट में हमारे अनेक अनेक स्टेट में रहते, तो वहाँ पे वो उनका वो महासागर जो है, ज़ोरास्टर बुद्ध जीसस क्राइस्ट प्रॉफेट मोहम्मद आर ऑल द ड्रॉप्स ऑफ अंश ऑफ दैट इनफाइनाइट रियल ओशन। हमारा जो ओशन है वो फॉल्स है, वो जो ओशन है वो रियल है। कहते हैं इंडिविजुअल इनफाइनाइट रियल आई, उसको आप रियल आई कहो या उसको आप रियल इनफाइनाइट माइंड कहो, आप उसको अनेक प्रकार से उसको बाबा ने उसको बताया है, तो आगे में आएगा तो अपन उसको पर बताएंगे फिर उसको। और इसके लिए ऑल द ड्रॉप्स ऑफ द वन इनफाइनाइट रियल आई एंड ईच इंडिविजुअली, और वो उसमें से वो ईच जो है परमात्मा हो या सदगुरु, ईच इंडिविजुअली वो फाइनाइट है, अनंत इनफाइनाइट है, अनंत थिंकिंग, वो उनका थिंकिंग अनंत भी होगा, तभी वो अपने बारे में सोच रहा है इट्सेल्फ इंडिविजुअली थिंकिंग इट्सेल्फ का मतलब है वो खुद अपने बारे में ही सोच रहे, मतलब वो उसका अनुभव ले रहे, अपने बारे में सोच के अपना ही अनुभव वो ले रहे, वो ब्रह्मांड का या जो निर्मित हुआ है इमेजिनेशन जो कल्पना उसका अनुभव नहीं रहे, वो खुद का। और उनका अनुभव क्या है कि मैं अनंत हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद दे, तो वो प्रार्थना में है जो आपको मालूम है। आगे में इंडिविजुअली एंड ईच रियलाइजिंग द इनफाइनाइट सेल्फ इंडिविजुअली, मतलब वो इनफाइनाइट सेल्फ मतलब हम या उसको गॉड कहें या रियलिटी कहे या ट्रूथ कहे या स्वयं कहे या आप कहे, मीनिंग उसका एक ही है, थिंकिंग इट्सेल्फ मतलब आपने खुद का अनुभव लेना। हम जो अनुभव ले रहे हैं वो कल्पना का अनुभव ले रहे हैं,
हम जब भी परमात्मा से एक होंगे तो हम परमात्मा का अनुभव लेंगे और हमको ये ज्ञान होगा कि हम भी परमात्मा है और अपना ही अनुभव लेते रहेंगे। बराबर है। और आगे में हम इसको जल्दी जल्दी हम इसको नहीं ख़त्म करेंगे, क्यों कि ये विषय ऐसा है कि जब अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर वो बताने का इसका उसका चार नहीं रहता उसमें। इसीलिए जितना होगा उतना अपन ज़्यादा से ज़्यादा बताने की अपन लोग प्रयत्न करेंगे। आगे में वो बोलते हैं कि थिंकिंग मतलब विचार करना, चेतना होगी। थिंकिंग का मतलब उन्होंने बताया कॉन्शियसनेस, चेतना। गॉड स्पीक्स में बहुत बार कॉन्शियसनेस ये वर्ड आया हुआ है, थिंकिंग वर्ड कम आया है, कॉन्शियसनेस वर्ड ज़्यादा हो गया। सो दिस कॉन्शियसनेस, किसका कॉन्शियसनेस? ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, मतलब परमात्मा का ही, गॉड का कॉन्शियसनेस, दैट इज थिंकिंग ऑफ गॉड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द फॉल्स थिंकिंग स्टेट इज इन फॉल्स कॉन्शियस और ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्टेट। हमारा जो स्टेट है, स्थिति, स्टेट मतलब स्थिति, किस स्थिति में हम हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है, वो फॉल्स है। और हमारा, हम कॉन्शियस तो है, मतलब जागृत है, जानी है हमको, चेतना है हमको, पर हमारी सोच जो है वो फॉल्स है। द कॉन्शियसनेस ऑफ इन्फाइन मतलब परमात्मा मानव रूप के अंदर में, अपने अंदर में जो परमात्मा है, मानव रूप के अंदर में जो परमात्मा है, कॉन्शियसनेस ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन फॉल्स थिंकिंग स्टेट, मतलब मानव रूप में। फॉल्स थिंकिंग स्टेट मतलब हमारी स्थिति कैसी है, फॉल्स थिंकिंग स्टेट में हम है। और अनुभव कौन ले रहा है? परमात्मा थ्रू दिस बॉडी। ये हम ये समझो, परमात्मा कॉन्शियसनेस मतलब परमात्मा की चेतना इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम है, इन फॉल्स थिंकिंग स्टेट जो हमारा है, इज इन द फॉल्स कॉन्शियस स्टेट। हमारी जो चेतना है वो फॉल्स क्यों, झूठी क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना संस्कारों से घिरी हुई है कि नहीं? वो अच्छे संस्कार बुरे संस्कार दोनों भी है, नहीं क्या? अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरे सबको मालूम है, अच्छे भी मालूम है। इसीलिए हमारा जो, हमारे जो संस्कार जो है वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्टेट हमारी है, ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्टेट है, और हमारी सोच जो है वो हमारा फॉल्स थिंकिंग है, और वो फॉल्स कॉन्शियस भी है हम लोग, और ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्टेट में हम लोग जी रहे हैं। आगे में एंड अब हमारी चेतना हो गई आदमी की, अब बोलते हैं एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा की, परमात्मा की सेवंथ प्लेन के अंदर में, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सेवंथ प्लेन के अंदर में जिसको हम लोग मजूब या ब्रह्मीभूत कहते हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन रियल थिंकिंग स्टेट, रियल थिंकिंग मतलब वो अपना ही अनुभव ले रहे उस स्थिति में, इन स्टेट इज इन ए सुपर और रियल कॉन्शियस स्टेट, इज अ सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस और रियल कॉन्शियसनेस। और रियल कॉन्शियसनेस क्यों है? क्यों कि वॉइड ऑफ संस्कार विच आर द सोल्स ऑफ फॉल्स थिंकिंग, मतलब हमारे संस्कार, जब भी हम सोचते हैं तो जो संस्कार को हम लोग उसको परिवर्तित करके, जब भी हम उसको कर्म में क्रिया में परिवर्तित करते हैं, तो हम जो संस्कार को सोच रहे हैं वो फॉल्स है, इसलिए हमारा थिंकिंग भी फॉल्स है। क्यों कि हमने जो संस्कार निर्माण किए पत्थर योनि से लेके तो मानव योनि तक, वो सबसे जो भी है वो हम लोग कहते हैं मायावी निर्मित है, या अज्ञान का प्रोडक्ट है, या वो अनेक प्रकार से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन इन ऑल इन मेनी वेज। अवॉइड वाइड ऑफ संस्कार विच आर द सोर्स ऑफ फॉल्स थिंकिंग, पर जो परमात्मा से एक रूप है उनके संस्कार, उनको कैसे, उनका चेतना कैसे कॉन्शियस है, वो है कि नहीं? हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हमको जाना किधर है, नहीं क्या? हम ढूंढ अलग फुकट ही हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, ये महाराज है, वो महाराज है, वो महाराज है, वो महाराज है, सब लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ लग रख दो, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या कर देगा, है नहीं है? इसलिए इस युग में जो रियली उन्होंने जो बताया है वो आने वाले
मानव जाति के लिए सबसे बेहतर एक मार्ग होगा कि जिसके वजह से वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। और इसलिए दस बोलता है, दस द कॉन्शियसनेस चार प्रकार के उन्होंने बताए, चार प्रकार के कॉन्शियसनेस है। नंबर वन कॉन्शियसनेस साधारण, सुपर कॉन्शियसनेस मीन्स भव्य, सब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब हम आदमी में है तो कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस मतलब सद्गुरु और अवतार ब्रह्मीभूत वो सुपर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस मतलब पत्थर से लेके तो मंकी तक एनिमल तक जितने भी आत्मा है वो है सब कॉन्शियसनेस। और अनकॉन्शियसनेस मतलब जब हम नींद में चले जाते हैं तो अनकॉन्शियसनेस होते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनकॉन्शियस है। ऐसी प्रकार से उन्होंने वो कॉन्शियसनेस के चार डिवीजन बताए, बराबर है कि नहीं। ये किस लिए बताया कि हमें मालूम पड़े कि हमें किस रास्ते से किधर जाना है, कितने जन्म हमने गवाए हैं इस मानव रूप के लिए और इसको कितना संभाल के रखना पड़ता है। ये सद्गुरु अवतार बार बार जो कहते हैं इसका ये मीनिंग है, अपने को महत्व समझ में आता है कि यस बराबर है कि हमको आगे और जो सुपर कॉन्शियसनेस है उधर जाना है, मतलब जिसे मेहर बाबा इनवर्ट जर्मी और मोक्ष मार्ग जो कहते हैं। तो फिर उसका उदाहरण उन्होंने बताया, जैसे श्री ताजुद्दीन बाबा, ये सद्गुरु हैं, सद्गुरु थे ताजुद्दीन बाबा नागपुर में, और वो वैयक्तिक इंडिविजुअल, उनका मन कैसे है, इंडिविजुअल इनफाइनाइट रियल माइंड है, वो सुपर कॉन्शियसनेस कहता है। क्या बोलते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, ये उनकी स्टेट है ताजुद्दीन बाबा की, बराबर है। और वो बाबा ने ताजुद्दीन बाबा के बारे में कुछ बहुत बताया है, कभी ये मिलेगा तो उसको बताएंगे आगे में। और दूसरा जो है ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब उन्होंने बताया कि ये इनफाइनाइट मतलब परमात्मा, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हर जगह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ही है, वो मनुष्य रूप में हो या पंछी के रूप में हो, किसी में हो, वो किसी भी स्टेट में हो, वो कैसे भी चेतने वाला हो, करने वाला जो है वो परमात्मा ही है, गॉड जिसको हम कहते हैं। इसीलिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, मतलब मेन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन सुपर कॉन्शियस स्टेट, कौन से केस में, ताजुद्दीन बाबा के केस में, बराबर है कि नहीं। एंड इन द इनफाइनाइट हम उसको, हम वो परमात्मा को इनफाइनाइट रियल माइंड कहे या हम उनको इनफाइनाइट रियल आय कहे, अगर आय कहते हैं तो ये पूरा शरीर हो गया, इनफाइनाइट माइंड करते हो गए तभी कार्य कौन करता है, मन कार्य करता है, मन और बॉडी दो तो है, शरीर और वो मन, और इसलिए उनकी इनफाइनाइट माइंड मतलब परमात्मा रियल एंड इनफाइनाइट रियल माइंड मतलब ही परमात्मा, दोनों भी है, आप उनको ये कहो या कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनंत मन रियल और अनंत एग्जिस्टेंस रियल दोनों है, अनंत मन अगर रियल है तो अनंत अस्तित्व भी रियल ही है, दोनों रियल ही है, ऐसा नहीं होता है कि ये रियल नहीं है और वो रियल नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक है तो एक ही होगा। आगे में रुस्तम, जो इन्होंने नाम लिखा हुआ है रुस्तम, सेकंड नाम आया है, ये रुस्तम मतलब मैन, वो जागृत अवस्था में है, बराबर है, हम जागृत अवस्था में हैं और हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो स्टेटस बता रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल फॉल्स इनफाइनाइट माइंड, हमारा स्टेटस ये है कि हमारा मन अनंत है पर हमारा मन फॉल्स है, क्यों, इसलिए कि हमारे संस्कार फॉल्स है। अब इस संस्कार को जब हम उसको परिवर्तित करेंगे कर्मा के अंदर में तो थ्रू माइंड, तो माइंड रियल होगा कि फॉल्स होगा, तो माइंड ही फॉल्स होगा। और इसीलिए कॉन्शियस, इसीलिए अनंत परमात्मा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड इन द कॉन्शियस स्टेट, गॉड इन द कॉन्शियस स्टेट है, अपन कॉन्शियस स्टेट में ही है क्योंकि अपने को तो मालूम है, पर हमारा जो है परमात्मा इस स्टेट में, अपने स्टेट में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो इनफाइनाइट फॉल्स माइंड बन गया, जो रियल था पहले तो रियल नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था, वो इनफाइनाइट फॉल्स माइंड बन गया,
इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा ये बन गया। इसलिए इसे बार बार बाबा जो कहते थे कि तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो तुम हो वो मैं ही हूँ, ये उनका अनुभव है अपना अनुभव नहीं है, इसलिए अपने को नहीं समझता है। और इसलिए वो इनफाइनाइट फॉल्स माइंड को उसको या इनफाइनाइट फॉल्स आय करो या उनको इसे बताओ वो है दोनों एक ही, आगे का एंट है चीटी है नहीं क्या, उसकी भी चेतना है बराबर है कि नहीं। अब वो चीटी जो है उसकी अवेक स्टेट है, वो भी जागृत है, वो भी तो उसकी तो वो भी तो जीव है ना, वो भी तो इस धरती के ऊपर में वो अपना कार्य करती रहती है ना सब कुछ, उसी प्रकार से उसका भी माइंड कैसा है, इनफाइनाइट फॉल्स लिमिटेड माइंड, इनफाइनाइट फॉल्स फाइनाइट माइंड, लिमिटेड मतलब फाइनाइट, उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है जहाँ वो कार्य करती है वो उतनी स्पीयर में कार्य करती है, क्योंकि उसकी थिंकिंग जो है वो फाइनाइट है। उसकी थिंकिंग फाइनाइट क्यों है, क्योंकि उसका जो शेप है जो बॉडी का वो फाइनाइट है, वो डिटेल बाद में आएगा, तो वो चैप्टर जब भी आएगा तो उसका डिटेल करेंगे। इनफाइनाइट माइंड मतलब परमात्मा खुद, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड परमात्मा इन दिस सब कॉन्शियस स्टेट, मतलब तुम और हम नहीं, वो परमात्मा ही जिसने इस विश्व का निर्माण किया और उसने ही ये अनुभव ले रहे वो है कि नहीं। तो कितना गहन बात जो है वो उन्होंने किस प्रकार समझाई देखो, कि ताकि लेमैन को इजीली वो समझ में आए है कि, क्योंकि अध्यात्म की किताब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड जरा थोड़ा सा ये हो जाता है, थक जाता है, ऐसे लगता है बाद में करेंगे। वो ये किसका हो गया, एंड का हो गया। एंड ऑल दीज इन साउंड स्लीप, मतलब मनुष्य भी साउंड स्लीप में जाता है, चींटी भी साउंड स्लीप में जाती है, सभी साउंड स्लीप में जाते हैं, हम लोग सभी साउंड स्लीप में जाते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द अनकॉन्शियस स्टेट, मतलब हम जैसे हमारे अंदर में जो परमात्मा है जिसको हम लोग इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं या और नाम से पुकारते हैं, वो जब भी साउंड स्लीप में जाता है तभी हम तो जाते हैं, पर वो परमात्मा जाता है साउंड स्लीप में। क्या बोलते हैं, द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन अनकॉन्शियस स्टेट इज इन द अनकॉन्शियस स्टेट। चार स्टेट जो उसने बताया है उसमें से आखिरी वाला जो है वो हम जिस स्थिति में जाते हैं वहाँ से फिर बाहर आते हैं, फिर हम उसी अंदर जाते हैं, इसका डिटेल वर्णन जो है फिर आगे करेंगे, या बहुत सारा तो इसमें आया हुआ है। इन दी अनकॉन्शियस स्टेट, पर उस अनकॉन्शियस स्टेट में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, एक दिन दो दिन चार दिन ठीक है, आपको वहाँ से बाहर आना ही है। क्यों आना है, क्योंकि आपके संस्कार आपको जगाते हैं, अरे भैया उठो मेरे को कौन खर्चा करेगा, खर्चा मतलब स्पेंड करना, खर्चा मतलब मुझे कौन स्पेंड करेगा, उसके नष्ट करो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो सोचते हैं भैया इस संस्कार को नष्ट करो, मुझे अपना खुद का अनुभव करने दो। ये अपना सारे जीवात्मे जितने भी है इनका यह एम है, एम ऑफ अवर लाइफ इज टू लव गॉड, सी गॉड एंड बिकम वन विद गॉड। इसके लिए प्रयत्न करो, हम जल्दी सक्सेसफुल मिलेगा ऐसे कुछ नहीं है, पर करते रहो, उठते खाते पीते मेरे बाबा का नाम लेते रहो और देखो उसका क्या परिणाम होता है। परिणाम आने में टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी कि आज किया तो कल मिल जाता है, ऐसा थोड़ी है कुछ ऐसा है, पर जो आनंद आपको मिलता है ये पढ़ने में ये करने में, वो आनंद का अनुभव लो कि सही में बाबा जो कहते हैं जो उन्होंने लिख के रखा है और जो बताया है और उनके जो सेंटेंसेस है जो वाक्य उनके हैं, ये मैंने जितना भी लिया है उसका एक बड़ा वाला बुक है वो भी हमने लाया है, पर वो मेहर बाबा मुझे ऐसा लगा, ये मेरा ओपिनियन है कि मेहर बाबा का जो अपना जो राइटिंग है जो लिखा हुआ है वो पढ़ो तो जल्दी मेरे को समझ में आता है, बाकी का जो है वो भी अच्छा है उन्होंने लिखा हुआ है, पर वो उतना पढ़ते 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 थोड़ा सा ये हो जाता है। हम आज अभी इसी में रुकेंगे और फिर उसके बाद में ये जो डायग्राम निकाला है इसका डिटेल वर्णन जो है उन्होंने फिर किया है आगे में, उसका हम लोग फिर से उसके ऊपर में जो भी उन्होंने कहा है बाबा ने कहा है वो आपको बताएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।